नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से 5 महीने बाद मिली जमानत, आज ही जेल से आएंगे बाहर। ईडी ने 31 जनवरी को किया था गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 की छत गिरी, 1 की हुई मौत, 8 लोग हुए घायल, कई कारें दबी। कर्नाटक में हुआ बड़ा सड़क हादसा, वैन और लॉरी के टक्कर में हुई 13 लोगों की मौत, 4 लोग हुए घायल। गाड़ी में 17 लोग थे सवार, ड्राइवर को नींद आने से हुआ हादसा। नीट पेपर लीक होने के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, तो वहीं संसद भवन के बाहर नीट मुद्दे पर राहुल गांधी ने की बात, कहा युवा नीट को लेकर डरे हुए हैं, हम संसद में उनकी आवाज बनेंगे। दिल्ली के नरेला इलाके में 10 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद कर दी गई हत्या। पुलिस ने रेप और हत्या के आरोप में मृतक बच्ची के पड़ोसी युवक और उसके दोस्त को किया गिरफ्तार। बात करें कुछ विदेशी खबरों की, तो ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू। इब्राहिम रईसी की हवाई हादसे में मौत के बाद हो रहा चुनाव, रेस में 4 उम्मीदवार। पड़ोसी देश पाकिस्तान में गर्मी से 6 दिन में 568 लोगों की हुई मौत। हीट स्ट्रोक से 280 लोग अस्पताल में, सड़कों पर पड़ी लाशें, मुर्दा घर में शव रखने की जगह नहीं। ब्रिटेन में 4 जुलाई को होगी वोटिंग। सर्वे में सुनक की पार्टी को 117 तो वहीं लेबर पार्टी को 425 सीटें मिलने की आशंका। सर्वे के मुताबिक सुनक की पार्टी का सफाया तय। बात करें शेयर बाजार की, तो सेंसेक्स ने 79,671 और निफ्टी ने 24,124 का हाई बनाया। अब सेंसेक्स में करीब 150 अंकों की रही तेजी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सदस्य बनने के बाद रिक्त हुई राज्यसभा सीट को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जसपा आपस में उलझ गए हैं। दरअसल पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भाजपा के साथ मैच फिक्सिंग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस राज्यसभा के लिए किसी समाजसेवी, कलाकार या खिलाड़ी को उतारे तो जसपा बगैर शर्त समर्थन देगी। वहीं हुड्डा ने बॉल को फिर से दुष्यंत के पाले में डालते हुए कहा कि वह 14 विधायक जुटाएं और कांग्रेस निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन कर देगी। तो वहीं दुष्यंत ने कहा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और भाजपा जनता को धोखा दे रही है। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां कांग्रेस ने आज कार्यकर्ता सम्मेलन किया। दरअसल आपको बता दें कि इस सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान समेत पार्टी के छोटे बड़े नेता शामिल हुए। वहीं साथ में ये भी बता दें कि सम्मेलन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अब की बार सरकार तो हुड्डा की ही बनेगी। इसके अलावा विपक्ष पे जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि भाजपा की 10 साल की सरकार ने एक भी काम नहीं किया, कोई बड़ा कारखाना नहीं बनाया, कोई संस्था नहीं बनाई, एक भी मेट्रो आगे नहीं बढ़ाई, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। वहीं बीते दिन संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कुछ टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस सदस्य दीपेंद्र हुड्डा को फटकार लगाई थी। वहीं आज इस मामले में हरियाणा से सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि हुड्डा ने कहा कि देश संविधान से चलता है और संविधान की रचना इन्हीं 4 दीवारों में हुई है, इसीलिए जय संविधान कहने पर खुशी होनी चाहिए। साथ ही दीपेंद्र ने कहा कि संविधान से मेरा भावनात्मक लगाव भी है। उन्होंने कहा कि ऐसे में मैं समझता हूं कि जय संविधान बोलना मेरे लिए खुशी की बात है। सदन के चेयर को लेकर दीपेंद्र ने कहा कि जहां तक चेयर की बात है तो मैंने हमेशा इसका सम्मान किया है। दरअसल सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद शशि थरूर ने जय हिंद जय संविधान का नारा लगाया था। थरूर के लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के दौरान जब विपक्षी सदस्यों ने जय संविधान के नारे लगाए तो बिड़ला ने टिप्पणी में कहा कि वह पहले से ही संविधान की शपथ ले रहे हैं। ऐसे में रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अध्यक्ष को इस पर आपत्ति नहीं जतानी चाहिए थी। राजधानी दिल्ली में लगातार 6 घंटे चली बारिश ने हरियाणा में रेल यातायात को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। दरअसल दिल्ली अंबाला रेल लाइन समेत अन्य लाइनों से दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाली रेल प्रभावित रही। वहीं रेल यातायात करीब 7 घंटे बंद होने से 2 दर्जन से अधिक ट्रेन प्रभावित हुई। आपको बता दें कि यात्रियों को अपने गंतव्य को जाने के लिए सड़क यातायात का सहारा लेना पड़ा।
जानकारी के अनुसार दिल्ली में देर रात करीब 1 बजे बारिश शुरू हुई थी। पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में पानी घुस गया। यहां ट्रैक पर पानी आने से रेलवे ने ट्रेनों को आउटर पर रोकना शुरू कर दिया था। बारिश के लगातार चलने से रेलवे ट्रैक पर पानी बढ़ता चला गया। गन्नौर, समालखा, पानीपत व करनाल में ट्रेनों को रोक दिया गया। इस दौरान रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा और उन्होंने बस का सहारा लिया। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।